ये तस्वीरें दिखाई है, तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, महिलाएं भी हैं और तमाम सारी ये भीड़ आप देख रहे होंगे जिस तरीके से दिख रही होगी, हजारों की संख्या पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यहाँ पर प्रचार करने के लिए अपनी विधानसभा पर मौजूद हैं और लोगों से मिलने के लिए ये तमाम सारे लोग पहुँच रहे हैं। आप लोग फूल लेकर क्यों खड़ी हुई हैं? शिवराज सिंह मामा के लिए। क्यों फूल लेकर? शिवराज मामा के लिए। मामा के लिए जी? जी है, भाई का स्वागत करेंगे, भैया का। भैया का स्वागत करेंगे? जी हाँ। अच्छा, क्यों भैया का स्वागत कर रही हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो हम उनको बहुत चाहते हैं। अच्छा, चाहती हैं? जी हाँ। और वो और आगे आए और इस चाहती हैं मामा जी बने मुख्यमंत्री। जी हाँ, इस साल मुख्यमंत्री वही बने। ये देखिए तस्वीर, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिस तरीके से ये आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, एक एक मुस्लिम बहन से मिल करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे मिल रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए लाडली बहनों के हाथों पर हाथ रख रहे हैं अपना और किस तरीके से आशीर्वाद उनको देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? मामा जी। मामा जी के लिए? हाँ। क्या किए हैं मामा जी? बहुत काम किए। क्या किए हैं? अरे बहुत अच्छे अच्छे काम किए। अच्छा। हैं। आप क्यों आई हैं दादी? हाँ मामा जी। हाँ? भाई आप क्यों आई हुई हैं यहाँ पे? क्यों आई हैं? मामा जी का स्वागत करने, उन्होंने बहुत साथ दिया है। हर महीने 1000 रुपए डालना है मामा जी, उन्हीं को वोट देना है। वोट देना है? कल 1.5 रुपए किलो का है। कमलनाथ जी को कांग्रेस वालों को वोट देंगी? नहीं। नहीं। ये तमाम सारे लोग मौजूद हैं, देखिए आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं, जगह जगह पुष्प वर्षा मुस्लिम समाज की ओर से शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर की जा रही है। ये अपार जन समर्थन जो आप लगातार देख रहे होंगे यहाँ पर भारी भीड़ के बीच में मौजूद है। यहाँ पर एक ही नारा गूंज रहा है, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान है भैया, वही जीतेंगे मामा जी। जीतेंगे? जीतेंगे। आप लोग क्यों साथ दे रहे हैं? अरे हमारे साथ खड़े हैं, वो मदद कर रहे हैं, इसलिए साथ दे रहे हैं मेरे भाई। क्या किए हैं? बहुत मेहनत करी है, बहुत गरीबों के लिए। इस बार कांग्रेस भी बड़ा दम लगा रही है? नहीं नहीं लगा रही कांग्रेस भी, नब्बन भाई से बात। ये बताइए क्यों इतना जन समर्थन मिल रहा है? अरे मामा है तो मुमकिन है, बाकी सब बेकार। मामा के लिए इतना क्यों मुमकिन कर रहा है? मामा ने इतना कुछ कर दिया है मध्य प्रदेश की जनता के लिए कि मामा के अलावा दूसरा कोई मध्य प्रदेश में चाहिए ही नहीं। कोई नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। मामा ने चार चांद लगा दिए हैं। चार चांद लगा दिए? हाँ, ऐसा काम किया है मामा ने। हाँ, तो ये सारा समाज है मामाओं को, इसलिए चाहते हैं हम लोग, मामा को चाहते हैं। हाँ, इस बार CM बन पाएंगे? बिल्कुल, फुल फुल अंदाज है मामा का। आपको क्यों लगता है, क्यों बनाना चाहते हैं? काम करने वाला आदमी तो अलग ही दिख जाता है। ये कांग्रेस भी कह रहे इस बार बड़ा दम लगा रही है? नहीं, मामा तो निकलेगा। कांग्रेस कहाँ दम है, करते कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। क्यों? कुछ भी नहीं। कमलनाथ जी है, दिग्विजय सिंह बड़े हो चक्कर में, कोई नहीं मामा की टक्कर में। भैया जो मामा है वो मामा है, मामा का मतलब जानते हो? डबल मामा, मामा 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 है बस, बाकी कोई नहीं। तो ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की बात तो मेरे सामने कर रहे हो आपने। ये दिग्विजय सिंह दिग्गी राजा कहलाते हैं। ये राजा आपने देखा है जंगल में? राजा क्या करता है जंगल का? राजा देखा है आपने? क्या होता है? क्या करता है? वो अपने ही लोगों को खाता है। इसीलिए ये राजा नाम से मुझे नफरत है, इन्होंने अपनों का ही शोषण किया। तो राजा जाता है कि बीजेपी ने डरा के रखा? नहीं, महानायक है शिवराज सिंह चौहान, कहते हैं हमारे मामा है शिवराज। कहते हैं बीजेपी डरा के रखती है अल्पसंख्यकों। आज तक किसी के साथ उन्होंने ये नहीं किया, भेदभाव नहीं किया, बिल्कुल एक तरफा। जैसे अगर कोई के भेदभाव वाली बात है तो अगर लाडली लक्ष्मी योजना चलाई तो उसमें अगर हिंदुआ लड़की है तो मुस्लिम लड़कियां भी है। लाडली बहना योजना में जितनी मैं समझता हूँ कि मुसलमान महिलाएं हैं उतनी हिंदू महिलाएं नहीं होंगी। कितनी सीटें मिल रही? 200 सीट में इस बार, 230 में, 150 से ऊपर जा रहे हैं। 150 कांग्रेस की, भाजपा 150 प्लस करके जाए। कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस है कहाँ? उनके घर, उनका गृह युद्ध ही खत्म नहीं हो रहा कांग्रेस का। भाई आज देख रहे हो आप, ये यहाँ आपने अभी देखा कितनी महिलाएं थी। अगर इनको किसी प्रकार का खतरा होता तो रोड पे निकलती। सारी बहनें वोट देंगी मामा? बिल्कुल वोट देंगी। मामा खुद निकलेंगे, मौका मिले मामा खुद जाएंगे। महिला दो दो बार वोट डाल देगी? एक महिला दो दो बार? बिल्कुल डाल देगी जी, वोटिंग करेंगे। अरे हम तो
राजनीति में सब जायज हो जाता है। ईमानदारी से डालेगी वोट। क्या नाम है? मेरा उमेश विश्वकर्मा। विश्वकर्मा साहब, ये लग रहा है जो समर्थन दिख रहा है ये वोट में तब्दील हो पाएगा? हाँ, होगा ना, पूरा पूरा तब्दील होगा पूरा। हमारे सबकी बहुत मदद करी, भरोसा है बातों पे? बिल्कुल है, बिल्कुल है भरोसा। कहना जी जाने कर देंगे, लगा देंगे बिल्कुल, अभी तक लगाई और आगे भी लगाएंगे। किए हैं? बिल्कुल किए हैं, दिखता है जो भी किया है सब सामने दिख रहा है, पीछे कुछ भी नहीं छुपा है। क्या किए हैं? बहुत कुछ। बताइए कुछ। रोजगार में बहुत ज्यादा बढ़ावा हुआ है। तो लग रहा है इस बार मामा बन पाएंगे? बिल्कुल बनेंगे, शत प्रतिशत। बिल्कुल। कांग्रेस का क्या होगा? दूर दूर तक नहीं। चाचा, ये इतने सारे लोग जो मौजूद हैं, वाकई में वोट मिलेगा कि सिर्फ देखने के लिए आए? 100% वोट मिलेगा भैया। किसको? शिवराज सिंह चौहान को। क्यों? अरे विकास कर रहा है भाई उन्होंने हमारा। क्या विकास किया? बहुत सारा विकास किया है। अब क्या गिनवा, गिनवाने के लिए तो बहुत सारा टाइम चाहिए। हाँ। आपके पास भी टाइम नहीं है। हाँ। लेकिन कह रहे इस बार मामला बड़ा गड़बड़ है। अरे कोई नहीं है गड़बड़, गलत फहमी है, निकाल दो दिमाग से। गलत फहमी है? हाँ, निकाल दो दिमाग से। कांग्रेस कह रहे इस बार हमारा है, हमारे लिए पुष्प वर्षा करो। नहीं नहीं, कोई लफड़ा नहीं है भैया, कोई लफड़ा नहीं है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के वोट नहीं देंगे? नहीं, शिवराज सिंह चौहान को देंगे वोट। क्या करेंगे कांग्रेस के साथ? काय का धोखा है, देते हुए आ रहा है शिवराज को, तो शिवराज को ही देंगे हम। शिवराज को देंगे? हाँ, ऐसा ही है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है? क्या क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। किसके पक्ष में? मामा के पक्ष में है। क्यों? वो बहुत अच्छा काम करा, सब काम करा, बहुत बढ़िया काम करा मामा ने हमारे लिए, विकास के लिए, बच्चों की साइकिल दी, स्कूल लिया, सब करा, बहुत बढ़िया काम करा सब। आपका क्या नाम है? पंकज चौहान। पंकज चौहान, ये इतने सारे लोग खड़े हुए, लग रहा है वाकई में वोट भी मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा, वोट मिलेगा। क्यों क्यों मिलेगा? काम किया है। क्या काम लग रहा है? सब जो रोड देखो आप, लाडली बहना योजना देखो, अरे विकास के मामले में एक नंबर है मध्य प्रदेश। अच्छा चाचा, ये कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार मतलब डरा के रखती है मुसलमानों को, लेकिन आप लोग यहाँ पे फूल बरसा रहे हैं। भैया हमको जो सब गलत फहमी है, निकाल दीजिए आप बीजेपी वाले और हमारे शिवराज सिंह चौहान हमारे लिए दिल और जान से मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? हमें तो ये लगता है कोई नहीं डरा रहा, कोई मुसलमान को नहीं डरा रहा, मुसलमानों को तो और गले लगा रहा है सीएम। कौन? सिंह चौहान साहब। चौहान साहब बढ़िया है, बढ़िया एक नंबर। इतने सालों से इतने विधानसभा 1,00,000 से पार करेंगे? 1,00,000 से? 1,00,000 से। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार मुख्यमंत्री बनेंगे। बनेंगे बनेंगे, ये तमाम सारी जनता है कह रही कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान जी को बनाएंगे। और भी तमाम सारे लोग मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर जनसैलाब देखने को मिला है, क्या वोट में परिवर्तित हो पाएगा, ये तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। भैया, ये इतने सारे लोग, आप लोग खड़े थे वोट देंगे कि सिर्फ ऐसे ही देखावे के लिए? नहीं नहीं, वोट देंगे यार, कैसी बात कर रहा भाई। 2023 डबल 150+ मामा जी। क्यों क्यों काम है वैसे मामा जी के? क्या काम किया? अरे ये पूछो क्या नहीं किया, प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दो ही बदल दी। बदली है? क्यों नहीं बदली है? आप खुद बदल गए। बदल गए? आप खुद बदल गए साहब। हाँ, इस बार कहने मामला बड़ा डामाडोल है। कोई डामाडोल नहीं, 150+ है। 150+? अच्छा, ये कांग्रेस कह रहे इस बार बढ़िया मामला चल रहा है। अरे कहाँ कांग्रेस का नाम मत लिया करो हमारे सामने। क्या करेंगे कांग्रेस के साथ? कौन आज तक वोट ही नहीं दिया कांग्रेस में, जो अब धोखा करेंगे? हाँ, वो तो कहते हैं कमलनाथ जी अगर 90% वोट हमें दे दो तो हम जीत जाएं। नहीं 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 नहीं, गलत भरोसा करते हैं आप? नहीं नहीं, वो आप वो गलत फहमी में जी रहे हैं कमलनाथ जी। हाँ, सीएम शिवराज सिंह चौहान। चौहान जी विजय 2023 विजय बना दिया, वो तो लिख लो। हाँ, आप क्या करते? मैं किसान हूँ। किसान है? अच्छा, ये देखिए किसान है, गाय भी आ गई है। किसान है आप, मिल रहा है लाभ? अरे क्यों नहीं मिल रही, सब मिल रही है। क्या क्या मिल रहा है लाभ? अरे किसान सम्मान निधि मिल रही है। हाँ। बीमा मिल रही है। हाँ। ब्याज माफी है। हाँ। क्या नहीं है? बीमा दे दिया। आपको क्या क्या फायदा हुआ? सभी फायदे हुए जो बताया आपको। हाँ। मतलब कोई जिससे आपका जीवन में थोड़ा सा बदलाव आया हो, ऐसा कुछ हुआ? मतलब मैं समझा नहीं आप। मतलब आपके जीवन में बदलाव आया हो मामा की सरकार 15 साल? हाँ, बदलाव है, बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव, प्रदेश ही बदल गया। अच्छा, ये कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए आप? नहीं चाहिए, काम अच्छे नहीं है।
काम अच्छे नहीं है, क्या करा? मुसलमानों को यूज करा, सिर्फ मुसलमानों को यूज करा कांग्रेस ने, कुछ दिया नहीं, सिर्फ वही दिया, क्या दिया? पान की दुकान, साइकिल की दुकान, टायर की दुकान, भाई यही दिया। और जब वोट लेना है, 5 साल में एक बार आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद नहीं आते। मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार अगर रहती है तो सिर्फ हमें पान ठेला और पंचर बनाने में, वही वही बस मजदूरी करना और कुछ नहीं। मामा ने कौन सा उद्योगपति बना दिया? मामा ने मकान, बीमारी, दुखी, सब में साथ दिया। सुराज सिंह है तो सब कुछ है, बुधनी विधानसभा। सुराज सिंह नहीं तो कुछ नहीं। और सुराज सिंह है तो मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश सुराज सिंह नहीं है तो मध्य प्रदेश नहीं। इस बार आ जाएंगे पूरी बहुमत से आएंगे। तो ये कांग्रेस के वादों में क्या दम है? कांग्रेस की वादों में कोई दम नहीं है। दम आपको लग रहा? नहीं, कोई दम नहीं, सब खोखले वादे हैं। खोखले वादे हैं, ये तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि खोखले वादे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे थे कि आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला यहाँ पर गुजर रहा था, उसको लेकर के तमाम सारे लोग यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हमें दिखे, तो हमने सोचा उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस बार मामला क्या है और क्या लगता है कि आप लोग जो यहाँ पर खड़े होकर के पुष्प वर्षा कर रहे हैं, क्या वाकई में वोट में भी ये जो समर्थन है वो तब्दील हो पाएगा? फिलहाल अभी के लिए इतना ही।